कैसे हैं आप सब? आप सबको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है 30 अक्टूबर, शायद। जी हाँ, 30 अक्टूबर है और आज है पहला अर्घ। अभी सुबह के आई थिंक 4 बजने वाले होंगे और मैं और मम्मी लगे हुए हैं ठेकुआ बनाने में, पूड़ी बनाने में। जी हाँ, अभी हम ही लोग उठे हुए हैं, बाकी सभी सोए हुए हैं। तो मेरा काम है यहाँ पे अभी ठेकुआ छानना। अभी इतना सारा ठेकुआ बन गया है और मम्मी का काम है यहाँ पे अभी बैठ के सान रही है। एक्चुअली क्या है ना कि एक सेकंड रुक के थोड़ा सा होल्ड कर। जी हमें वापस आ गई। एक्चुअली ठेकुआ जल ना जाए तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो चूंकि बात ये है कि हम लोग इतनी सुबह से इसलिए बनाने बैठ चुके हैं क्योंकि ये कोलकाता है, बिहार तो है नहीं। और कोलकाता में क्या कहीं भी छठ पूजा के प्रसाद, जो कि ठेकुआ फेमस है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठेकुआ की डिमांड है। अगर आप छठ पूजा एक आदमी घर पे कर रहा है तो उसके यहाँ बहुत, मतलब बहुत अनलिमिटेड प्रसाद बनता है ठेकुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रसाद बांटना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को। और प्रसाद ऐसा चीज़ है कि कोई भी मांगेगा तो आप मना तो कर नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसाद बनता है। इसलिए हम लोगों को इतना सुबह उठ के नहा के, और हम लोग आई थिंक 3 बजे से या फिर 2:30 बजे से उठ के नहा चुके हैं और उसके बाद इस प्रसाद बनाने में लग चुके हैं। और अभी आपको बहुत सन्नाटा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुबह है, अभी 4 भी नहीं बजा है और हम लोगों ने अभी आधा तो नहीं बनाया है, बट हाँ शुरुआत हो चुकी है बनाने की। देखते हैं कब तक बनता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रसाद बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ पे हर घर तो पूजा नहीं होता है। बिहार तो है नहीं, बंगाल है, और बिहार में जिसके घर पूजा होता है वो तो थोड़ा सा बनाता है क्योंकि सबके घर पे पूजा होती है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी हम लोग इतने सालों से हैं बंगाल में और इतना प्रसाद बनता है, बट बिल्कुल भी नहीं लगता है कि थकान हो गया या फिर इतना काम है करने को। ये बोलते हैं ना कि आस्था का पर्व है, खुशी का पर्व है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मी को ज़्यादा देर तक मैं चूल्हा के पास नहीं बैठने देती हूँ, शादी के पहले भी या शादी के बाद भी, क्योंकि मम्मी का फास्टिंग रहता है तो चूल्हा के पास बैठेगी तो उसको प्यास लग जाएगी। इसलिए सिर्फ मम्मी अर्घ का जो ठेकुआ होता है, जो घी में फ्राई होता है और वो चढ़ाया जाता है, जो सिर्फ व्रती ही उसको बनाती है, जो व्रत की हुई रहती है, तो वो मम्मी बना चुकी है अपना, उसको साइड निकाल के रख दिया गया। और ये सारा जो प्रसाद है वो मैं बैठ के निकालती हूँ। और बाकी जो चीज़ें जैसे कि आटा सानना हुआ, ठोकना हुआ, कुछ देर में भाई लोग भी आएगा नहा नहा के फ्रेश होके, बट अभी बहुत ज़्यादा सुबह है तो वो लोग भी रेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑफिस से आए हैं, लेट आए थे, तो शुरुआत हो चुकी है छठ पूजा की तैयारी की। अब लगे हुए हैं ठेकुआ बनाने में, देखते हैं आगे क्या क्या कैसे होता है। तो अभी आप बने रहिए छठ पूजा का ब्लॉग देखने के लिए, आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग शाम को घाट भी जाने वाले हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और यहाँ पे मम्मी को नींद आ रही थी तो मैंने बोला आप थोड़ा देर रेस्ट कर लो, उसके बाद उठना, तब तक मैं बनाती हूँ जो है। और देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के बाद दोनों भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, फिर मम्मी भी उठ चुकी थी। और ये मोमेंट बेस्ट होता है छठ पूजा का, जहाँ पे सारी फैमिली एक साथ हो के छठ पूजा के सारे चीज़ों में हिस्सा लेती है। और मेरे लिए भी ये मोमेंट जो था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। हाय एवरीवन, मैं वापस आ गई। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है छठ पूजा का गाना गा गा के। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। मैंने उधर छठ पूजा का प्रसाद बनाने के बाद 1 घंटे की नैप ले ली थी बीच में, और अभी धूप इतनी तेज़ है आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी जो चीज़ें हैं लाने के लिए, जैसे कि कोसी लाना हो गया या फिर फ्रूट्स वगैरह, सब्जी जो चढ़ता है प्रसाद में, वो सारी चीज़ें लाने के लिए मैं और भाई निकल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट में और दिखाते हैं आपको मार्केट का नज़ारा क्या है। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी अभी से पता है हम लोगों को। तो चलिए आप भी और देखिए कोलकाता में कैसा लगता है छठ पूजा का बाजार। मैं सबसे पहले कोसी के दुकान पे, और वहाँ से मुझे जितनी ढकनी कोसी दिया चाहिए था वो सब मैंने लिया। और यहाँ पे ये लोग खुद से कलर कर रहे थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
किलो ऐसे कर देंगे ना। तो इसमें हम क्या करें भाई, भीड़ हम मेरी वजह से है क्या? माला कत करे? माला कैसे ही? কত করে পিসটা কত করে? আর পিসটা मार्केट से आने के बाद मैं बैठ गई सूप और दौरा सजाने के लिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अल्पना लगाते हैं, वो आटा और हल्दी का होता है। सारा फ्रूट्स मम्मी धो दी थी मार्केट से लाने के बाद, उसके बाद ये सारे काम मैंने किए। सारे फ्रूट्स को सूप में क्या क्या चढ़ेगा वो सजाना, उसके बाद केला के घवद में अल्पना और सिंदूर लगाना, ये दोनों चीज़ें मस्ट होती है करने के लिए। ये दोनों करने के बाद मैंने दौरा भी सजाया, दौरा में भी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह डाल के अच्छे सजाया। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है करने में, और मैं बहुत खुशी कर रही थी। तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी होने चली गई। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इतना ज़्यादा धूप है बट फिर भी हम लोगों को घाट जाना है। फोटो खींचना जब गंगा में जाएंगे। हाँ हाँ, भैया का फोटो नहीं खींचा है तो बोल रहा है घाट पे फोटो खींचना, वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी बहुत तेज धूप है आप देख सकते हैं, बट घाट घर से 4-5 किलोमीटर दूर है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी 3 बज रहे हैं शाम के, जाते जाते टाइम हो जाएगी, भीड़ भी बहुत रहता है और ऊपर से पूजा के लिए जगह भी मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग पहले निकल जाते हैं। काफ़ी डिस्टेंस है घर से, तो चलिए चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम होम, या दैट्स व्हाई वी जस्ट, तो इसलिए हम लोग अभी निकल चुके हैं। भाई, मम्मी, बाकी सब जो हैं वो आगे निकल गए, भैया पीछे रह गया था और मैं, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। ये भैया, जैसा कि आपने सुबह में देखा होगा कि वो छठ माँ का प्रसाद बनाने में हम लोगों की हेल्प कर रहा था, और दोनों भाई हेल्प किए हम लोगों का, आप लोगों ने देखा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का छठ पूजा आप लोगों का, मेरे ब्लॉग में पहली बार, तो आप लोग बने रहिए छठ पूजा का घाट देखने के लिए। तो चलिए, और आ गया वो दिन जिसका हम सभी साल भर से इंतजार करते हैं। जी हाँ, छठ पूजा का दिन, घाट जाने वाला दिन, जो कि हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मेरे लिए तो बोला जाए प्यार का मतलब ही होता है छठ पूजा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है छठ पूजा। फेस्टिवल में अगर कोई बोले कि पहला नाम कौन सा आएगा, तो वो मैं बोलूँगी छठ पूजा। ये मेरे दिल के बहुत 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 ही ज़्यादा करीब है। हम लोग घाट पे आ चुके हैं और मैं आपको घाट का दृश्य दिखाती हूँ। अभी बहुत मतलब जल्दी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी क्या हाल है वो सिचुएशन दिखाती हूँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, ये भीड़ भी बढ़ते जाने वाली है, तो फिलहाल मैं अभी क्या है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको मम्मी दिख रही है कहीं? हाँ, वहाँ पर येलो साड़ी में दिख रही है, आई होप सो, पता नहीं दिख रही है। हाँ, वो झोला पकड़ी हुई है, ये मम्मी वहाँ बैठी है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं थोड़ा इधर आ गई और अभी स्टार्ट हो रही है। और ये हमारे रही गंगा मैया, जिनकी पूजा के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है। और उसके बाद भाई चला गया गंगा जी के अंदर से मिट्टी लाने के लिए। जी हाँ, उसी को छठ माता मान के हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ छठ पूजा का कुछ बनाया हुआ नहीं रहता है। तो जा रहा है अंदर मिट्टी लाने के लिए, उसका तो जींस ऐसे ही ख़राब होने वाला है, पर क्या कर सकते हैं, पूजा है तो उसमें तो करना ही है। तो बस वो अंदर जाने वाला है मिट्टी लाने के लिए। पीछे घुसना है
धुआं धुआं करती है और करती रहती है।